नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर तीसरा है कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण के लिए प्रचलन चिन्ह या साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शुरू करते हैं कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण की संकल्पना, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग फोर्स का मतलब है कि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमें कैसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो उसका कॉन्सेप्ट यह है कि कर्तन बल धरन के किसी काट अथवा बिंदु के दाईं अथवा बाईं ओर लग रहे ऊर्ध्वाधर बाहरी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये क्या है इसका मतलब, उसको समझते हैं। तो जैसे हमारी कोई छड़ है सीढ़ी, उस पर दो बल लगे हुए हमारे डब्लू वन और डब्लू टू। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम दाईं तरफ से भी देख सकते हैं और बाईं तरफ से भी देख सकते हैं। तो देख तो कहीं से भी सकते हैं, मगर उसके लिए हमें क्या होगा चाहिए, एक किसके दाएं और किसके बाएं। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु या कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, कहीं पर भी, हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो ए हमारा सेक्शन हो गया। तो ए के बाईं तरफ या दाईं तरफ कहीं से भी हम देखना शुरू कर सकते हैं। तो वही हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। तो यदि हम बात करें ए के बाईं तरफ, बाईं तरफ ऊर्ध्वाधर बलों का परिणामी बल, माना कि एफ हो गया हमारा, एफ मान लिया माना कि। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ पहले डब्लू वन और डब्लू टू हमारा बाहर लगा हुआ है छड़ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन पैदा हो रही है हमारी आर सी और आर डी, सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक। तो ये अभी हम देख रहे हैं बाई तरफ से। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ एक। तो ए के बाईं तरफ हमारे लगे आर सी और डब्लू वन। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे ध्यान दें, जो हम आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे साइन लेना है, कि ऊपर की ओर लगे फोर्सेज और नीचे की ओर लगे फोर्सेज को। तो यदि हम बाईं तरफ से देख रहे होंगे तो बाईं तरफ से जो देखने पर हमें जो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे होंगे उसको निगेटिव लेंगे वहाँ पर, तो उस चीज़ का ध्यान देना है। तो इसको उनसे देखते हैं, तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेज को हम ले रहे हैं यहाँ पर निगेटिव, बाईं तरफ से यदि हम ले रहे हैं तो बाईं तरफ से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेज को हम लेंगे निगेटिव, तो माइनस आर सी। और बाईं तरफ से यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव डब्लू वन। तो हमारा ए के बाईं तरफ जितने ऊर्ध्वाधर बल हैं उनका परिणामी योग क्या हो गया, एफ हो गया आर सी प्लस डब्लू वन। ऐसे ही यदि हम ए के दाईं तरफ ऊर्ध्वाधर बलों का परिणामी बल निकालें तो ये हो गया ए, इसके दाईं तरफ हमारे आर डी और डब्लू टू हैं। तो यहाँ पर इनका यदि परिणामी बल निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस को ले रहे हैं निगेटिव, तो एक कौन से लेते हैं, ऊपर की लगने वाले फोर्सेस को ले रहे हैं पॉजिटिव आर डी माइनस डब्लू टू। तो ये हमारा ए के दाईं तरफ लगने वाले बलों का परिणामी बल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है शेयर फोर्स का, ये कहता है कि यदि हम किसी सेक्शन, किसी धरन पर जो बल लग रहे हैं उसमें कोई बिंदु है या कोई सेक्शन है, उसके दाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ या दाईं तरफ, किसी भी एक सिरे से हम यदि हम देख रहे हैं तो उस पर जो बल लग रहे हैं उनका योग बराबर होगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ होगा यहाँ पर हमारा। तो यानी कि यदि यहाँ पर ये लग रहा होता, यहाँ हमारा बाईं तरफ का प्रणायी बल को हम यदि डिनोट कर रहे हैं एफ से, तो यहाँ दाईं तरफ का प्रणायी बल सेम मैग्नीट्यूड एफ होगा, केवल क्या अंतर होगा, डायरेक्शन का अंतर होगा, यानी कि यहाँ जो साइन आएगा उनका अपोजिट आएगा एक दूसरे के एफ और। तो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट और नमन आघूर्ण की संकल्पना। इससे पहले हम कर्तन बल का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट आघूर्ण या बेंडिंग मोमेंट का है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, नमन आघूर्ण का मान धरन के किसी अनुप्रस्थ काट अथवा बिंदु पर धरन के बाईं अथवा दाईं ओर के भाग पर समस्त बल आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझते हैं, तो इसके लिए हमारी छड़ थी हमारी सीढ़ी, इस पर बाहर लग रहा था डब्लू वन, इस पर बाहर लग रहा था डब्लू टू। माना यहाँ पर इनकी दूरियाँ ए सबकी हैं, ए पूरा ए मान लेते हैं। माना यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा ये ए ही है, इसके बीचों बीच ले लिया हमने, अभी यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर समझने के लिए यहाँ पर हमने इसके बीचों बीच ले लिया। तो ये ए बाई टू हो गई, ये ए बाई टू हो गई। तो यहाँ पर ये कह रहा है बाईं ओर या दाईं ओर, हम किसी भी एक सिरे से देखना स्टार्ट करें तो जो आघूर्ण होगा वो दाईं ओर का आघूर्ण बराबर बाईं ओर का आघूर्ण होगा, केवल जो अंतर होगा साइन का होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर होगा यहाँ पर। तो ये हमारा है, तो इसको करते हैं यहाँ पर पहला बाईं ओर से देख लेते हैं।
तो बाईं ओर का देख रहे हैं हम पहले, तो बाईं ओर हमारे सेक्शन एक ए के बाईं ओर हमारा आर सी और डब्ल्यू वन है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारा जो साइन है वो कैसे लेना है। तो हम यदि बाईं ओर से देख रहे हैं तो बाईं ओर से यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर आर सी हमारा इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंट इक्वल टू आर सी, क्योंकि बाईं ओर घुमा रहा है तो पॉजिटिव, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए प्लस ए बाई टू, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ए बाई टू मान लिया, इसको बीचों बीच मान लिया, तो बाईं ओर जो बल लग रहे हैं उनका गुण हो गया आर सी, ये सॉरी आर सी का जो हो गया आर सी इंटू ए प्लस ए बाई टू। ऐसे यहाँ पर डब्ल्यू वन भी है तो डब्ल्यू वन के कारण आघूर्ण जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो डब्ल्यू वन इंटू ए बाई टू हुआ, और साथ में डायरेक्शन क्या हुआ इसकी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर टोटल हमारा निकल गया आर सी ए प्लस ए बाई टू माइनस डब्ल्यू वन ए बाई टू। तो ये हमारा सेक्शन ए के बाईं ओर जितना आघूर्ण हमारा जो बल है उनके कारण जितना आघूर्ण पैदा हो रहा है उसका योग क्या है। तो यहाँ पर आप सेक्शन ए के दाईं ओर जितने बल लगे हैं इनका आघूर्ण निकालते हैं सेक्शन ए पर। तो यहाँ पर एक हमारा आर डी है, दूसरा डब्लू टू है, और साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर यदि एंटी क्लॉकवाइज यदि दाईं ओर से यदि हम देख रहे हैं, दाईं ओर से देख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पहुँच लेंगे और क्लॉकवाइज घुमाने पर निगेटिव लेंगे। तो आर डी हमारा इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आर डी पॉजिटिव हो गया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ए और ए बाई टू हो गया, ठीक है। और डब्लू टू हमारा इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस का डब्लू टू इंटू ए बाई टू, तो इन दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होगी। यदि हम इसको चित्र पर दिखाएं तो चित्र में कुछ यहाँ ये इस तरफ ऐसे घुमाएगा और यहाँ इस तरफ घुमाएगा, तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी, केवल जो डायरेक्शन है डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन की। वैसे हम इसकी जिक्र कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी कर चुके हैं, मगर एक बार और देख लेते हैं। तो यदि हम कर्तन बल को यदि निकालेंगे तो कर्तन बल निकालने के लिए यदि हम सेक्शन जो ए था हमारा या कोई भी सेक्शन हम लेंगे उसके यदि हम बाईं ओर से यदि देख रहे हैं तो शेयर फोर्स के लिए बात चलिए, तो शेयर फोर्स में ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव लेंगे और नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और यदि यही हम सेक्शन के लिए दाएँ ओर से देखना स्टार्ट करते हैं तो नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव और ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस को लेंगे पॉजिटिव। अब बात करते हैं नमन आघूर्ण के लिए साइन कन्वेंशन। तो यदि सेक्शन जो ए था हमारा उसके हम बाईं ओर से देखना यदि स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बल यदि हमारा जो धरण है उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो हम उस आघूर्ण को लेंगे पॉजिटिव, और कोई भी बल यदि हमारे धरण को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो हम उसको लेंगे निगेटिव। और यदि यही हम आघूर्ण यदि सेक्शन ए के दाईं ओर से देखना स्टार्ट करें तो ठीक अपोजिट हो जाएगा इसका, तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आघूर्णों को लेंगे निगेटिव। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।